हेलो एवरीवन, हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कि ईमेल पर अगर हमारे पास कोई मेल आई हमारे ईमेल अकाउंट में के इनबॉक्स में, तो हम उसे कुछ रिप्लाई करना चाहते हैं या उस ईमेल को आगे फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो वो कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर वेब ब्राउजर को ओपन करना है। हमने वेब ब्राउजर यूज किया है, गूगल क्रोम। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और हमारा ये वेब ब्राउजर की विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। ऊपर एड्रेस बार में हम यहाँ टाइप करेंगे जहाँ हमारी ईमेल आईडी बनी हुई है या ईमेल अकाउंट है, gmail.com, और एंटर प्रेस करेंगे। ये आपको इस तरह स्क्रीन दिखाई देगी। अब इस लिस्ट में अगर आपका जो ईमेल अकाउंट अभी आपने ओपन किया हुआ है तो वो लिस्ट दिखाई देगा। अगर नहीं है तो यूज अनदर अकाउंट पर जाकर आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है और नेक्स्ट पर क्लिक करके पासवर्ड डालना है। तो हम यहाँ पर क्लिक करके अपना ईमेल अकाउंट ओपन कर रहे हैं। अब यहाँ पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद, टाइप करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका ये ईमेल अकाउंट ओपन हो गया। अब यहाँ देखिए कि इस मेल में, इनबॉक्स में एक मेल आई जिसके साथ अटैचमेंट है, तो हम इसके ऊपर क्लिक करके इसे ओपन करेंगे और यहाँ पर जो अटैचमेंट थी उस फाइल को हम, यहाँ पर बटन है डाउनलोड का, एरो दिया हुआ है नीचे की तरफ, ये डाउनलोड है, तो आप इस अटैचमेंट को डाउनलोड करके देख सकते हो। अब इस फाइल का हमें रिप्लाई करना है। तो रिप्लाई करने के लिए ये देखिए, आपको नीचे यहाँ लिखा मिलेगा रिप्लाई। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये नीचे आपको इस तरह का ऑप्शन दिखाई देगा कि इसी मेल के अंदर आपको ये ना कोई रिप्लाई या आंसर जवाब दे रहे हो, तो ये आपका कर्सर इस तरह से दिखाई देगा नीचे। यहां आपको टाइप करना है। यहां देखिए, हमने रिप्लाई कर दिया कि आपकी मेल रिसीव हो चुकी है। तो इसके अंदर आपको एड्रेस टाइप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप रिप्लाई किसे करोगे, जवाब किसे दोगे, जिसने आपके पास मेल भेजी है, तो ऑटोमेटिकली उसके एड्रेस पर ही रिप्लाई होगा और आप यहां पर सेंड बटन पर क्लिक कर दो, ठीक है। सेंडिंग और मैसेज सेंड, ये आपके पास मैसेज आ चुका है। तो इस तरह आप किसी भी मेल का अगर रिप्लाई भेजना चाहते हो तो रिप्लाई पर क्लिक करके भेज सकते हो। अब हम बात करते हैं फॉरवर्ड की। अब हमारे पास ये जो मेल आई है, जैसे हमारे पास ये मेल आई हुई है, हम सेम इस मेल को आगे फॉरवर्ड करना चाहते हैं, आगे भेजना चाहते हैं, तो आपके पास ये बटन है, यहां लिखा मिलेगा आपको फॉरवर्ड, यहां पर, तो यहां क्लिक करेंगे। अब फॉरवर्ड किसे करनी है, तो आपको यहां पर एड्रेस टाइप करना पड़ेगा जिसे आप फॉरवर्ड करना चाहते हो। तो यहां हम एड्रेस डालेंगे, टाइप करेंगे। अब टू में हमने यहाँ पर एड्रेस टाइप कर दिया, ईमेल एड्रेस जिसके पास आप इस मेल को आगे फॉरवर्ड या भेजना चाहते हो। उसके बाद हम सेंड कर देंगे, सेंड बटन पर नीचे क्लिक करेंगे और ये आपके पास मैसेज आ चुका है कि मैसेज आपका सेंड हो चुका है। तो इस तरह आप किसी मेल का रिप्लाई या इस किसी मेल को फॉरवर्ड कर सकते हो। और हमें साइन आउट यहां से करना है, यहाँ पर जो सर्कल है ये गूगल अकाउंट के, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ नीचे आपको साइन आउट का ऑप्शन मिलेगा। तो इस तरह हम यहाँ से साइन आउट करेंगे, क्लिक करेंगे यहाँ पर। गाइस, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।